सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाते हैं, पोस्ट बिहेवियरिज्म, कि इसका उदय किस कारण से हुआ और व्यवहारवाद की असफलता के पीछे मेन रीजन क्या था, और इसमें जो हमारे सामने जो तात्कालीन जो समस्याएं थी इनका समाधान करने में ये कैसे सफल रहा, इस टॉपिक के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रॉविल आमंड, रॉबर्ट डेल, डेविड स्टन, कार्ल डाइच और लास्वेल आदि विद्वानों ने जिस व्यवहारवादी आंदोलन की नींव रखी थी, आगे चलकर वही व्यवहारवादी आंदोलन दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें एक तरफ तो सैद्धांतिक व्यवहारवादी थे और जो शोध प्रविधियों की खोज की बजाय सिद्धांतों के ताने बाने बुनने में ही रहे। दूसरी तरफ सकारात्मक व्यवहारवादी थे जो शोध प्रविधियों की खोज में लगे रहे। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने लगे। इससे व्यवहारवाद की कमियां का दृष्टिगोचर होने लगा। इन कमियों की तरफ सबसे पहले डेविड स्टन ने ध्यान किया और 1969 में न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में उत्तर व्यवहारवाद का की नींव रखी, एक तरह की उसकी एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा उन्होंने की। डेविड स्टन ने कहा कि आधुनिक विश्व की नई परिस्थितियों में हमें अपनी शोध को और अधिक तर्क संगत बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो नाजुक संकटों का सामना करते हुए परंपराओं को भी सुरक्षित से रख सके। हमें आदर्शवाद विज्ञान का व्यवहारवादी तर्क लेकर यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे ज्ञान की सीमाओं के कारण हमारे प्रयोग अपरिपक्व और अप्रासंगिक हो गए। और इस तथ्यात्मक वर्णन ने इतना उलझा दिया कि हम महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में हम असफल रहे। उन सक्रिय तत्वों की अपेक्षा कर रहे जो समसामयिक समस्याओं को जन्म के कारण है। आज स्वयं की मांग है कि हम अपना दिन की प्रासंग बनाए और उनके क्रियात्मक करें। इससे स्पष्ट है कि डेविड स्टन ने तत्कालीन व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों को तत्कालीन राजनीतिक शोध की प्रविधि के कारण ही उत्तर व्यवहार क्रांति का सूत्रपात हुआ और उसका उदय हुआ। ये इनके मेन एक तरीके का उनका एक व्यवहारवाद की क्रांति के उदय का मेन रीजन था। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी उस समय का जो परमाणु बम के जो आविष्कार ने राष्ट्रों को विदेशी संबंधी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन ला दिया। अमेरिका में गृह युद्ध, वियतनाम में एगोस्ट युद्ध ने विश्व को नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार किया और समाज में एक ऐसी समस्या पैदा हो गई कि व्यवहारवाद से उनका समाधान नहीं हो सकता था। इसीलिए परिवर्तनशील परिस्थितियों ने नए दृष्टिकोण की आवश्यकता अनुभव हुई और जो इन समस्याओं के समाधान सुनिश्चित कर सके, यही कारण है कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तत्कालीन राजनीतिक शोध के प्रति गहरा असंतोष एक कारण ये भी था, व्यवहारवाद के उदय का कारण था, कि उसमें कि व्यवहारवादी शोध को एक प्राकृतिक विज्ञान की दृष्टि से दूर करने का प्रयास कर रहे थे। वो शोधकर्ताओं द्वारा निरर्थक शोध पर पैसा खर्च किया जा रहा था। वे राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान बनाने में जुटे रहे। वे ऐसी किसी भी सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे जो भी सभी संस्थाओं में सभी समय पर लागू किया जा सके। वे वैचारिक संरचनात्मक प्रतिमानों सिद्धांतों के निर्माण में लीन थे, जबकि उनकी पाश्चात्य दुनिया तीव्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकेतों से गुजर रही थी। डेविड स्टन के वातानुकूलित पुस्तकालयों से गणना हो गई और इसीलिए उसने उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का बिगुल बजा दिया। उचित भविष्यवाणी का अभाव था।
व्यवहारवाद किसी भी राजनीतिक समस्याओं का के बारे में न तो उचित समाधान भी प्रस्तुत कर सका और न ही उचित भविष्यवाणी दे सका। व्यवहारवाद बम के आविष्कार, वियतनाम को संकट, अमेरिका का गृहयुद्ध की स्थिति, व्यवहारवाद की सभी मान्यताओं धूमिल कर दिया गया। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान के भविष्यवाणी बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। आज ये हम उत्तर व्यवहारवाद के जो उदय की जो मेन रीज़न है, ये रीज़न मैंने इस वीडियो के माध्यम से बनाने का बताने का प्रयास किया, और आगे के वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।